दोस्तों नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज हम आए और आज अपने छन्ने भाई जो बहुत ही सीनियर पतंग बाजी करते हैं और आज जो है 80 साल होने के बाद भी आज आप बता नहीं सकते कि 80 साल के होंगे। और दिलीप कुमार साहब हमारे जो है, देखिए दिलीप कुमार साहब से लड़ाए हुए सीनियर पतंगबाज जनाब छन्ने साहब। तो आइए, कुछ सवालात हैं जो हमारे छन्ने भाई से हम पूछते हैं कि एक जो है हमारे अर्शी साहब हैं, वो अक्सर करके पूछते हैं कि एक आदमी नीचे से हमें जो है छन्ने भाई, वो कहते हैं नीचे से ढील दे के काट देता है। सबसे पहले तो ये है कि अर्शी साहब ने ये नहीं बताया कि कितनी दूर रेंज में हम लड़ा रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये भी नहीं बताया। 200 गज पे या 500 गज पे सही, या 700 गज पे सही। तो ठीक है, हम उनको ये समझाते हैं कि जैसे किसी ने ढील दिया है, ठीक, तो आप उसको नीचे का मुड्ढा दिखाइए। सही। जब ढील दिया और आप बाहर का करके तेजी में पावर के साथ खींच के नोच के भाग, नोच के भाग, अगर वो सीधा सीधा ऐसे करके ढील दिए हुआ, ढील दिए है, और जब आप सीधा सीधा उतारेंगे तो वहीं पे वो पकड़ के चुटकी दाब के झटका जो मारेगा आपके कट जाएगा। अगर सीधा सीधा यानी ऐसे करके डुबोते हैं, सीधा नहीं डुबाना चाहिए, दिखाओ उसको सीधा, ठीक, जब ढील दे ठीक, तो तुम जो है ऐसे निकलता हुआ बाहर का तेजी में रोको ना लेके निकल, यानी बहुत पावर से, बहुत पावर, जब तक के वो डोर को टाइट करे, जब तक के नोच ले जाएं, यही कहने का मतलब है। और फिर आपके छत या मैदान में भी कहीं लड़ रही है तो आप उसको गौर से देखिए कि ये पतंग कैसे कट रही है, ये कैसे काटा है, तो आपको जो है और भी ज्ञान मिल जाएगा। सही। किस तरीके से पतंगबाजी होती है। सही सही है। अब या तो फिर ये पेच आजमा के देखो, यानी खुद लड़ाएं और उसको लड़ाएं, लड़ा के देखें, ठीक, कि किस तरीके से करती है। तुम ढील भी दे के देखो और मार के भी देखो, दोनों पेच तुम करो तो तुम्हारी खुद ही समझ में आ जाएगी कि पावर किस चीज में लगता है। सही, यानी वो पावर से कट रहा है या कि आपको, यानी ऐसे गद्दा मारने से आपको खुद ही समझ में आएगा। और जो नीचे से है वो मान लीजिए चुटकी दाब के इतनी जोर जोर थपक्का मारेगा कि तुम बच ही नहीं सकते। अगर ये सीधा सीधा ऐसे करके डुबो रहे हैं और तुम दिखाओ उसको मुड्ढा सीधा सीधा, और जब देखो ढील मार रहा तुम ऐसे बाहर का निकलता भैया, ऐसे ले जाके ऐसे करके, यानी ऐसे मार के ऐसे करके लेके निकल जाए, निकल जाओ, ये तुम्हारा जब ऊपर जाएगा तो उसका झोल लौटता हुआ चला जाएगा, खुद ही जब झोल वो टाइट करेगा तो खुद ही चला जाएगा। तो हमारे ख्याल से जो है छन्ने भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया अर्शी साहब को, और काफ़ी दिनों के बाद आए दोस्तों। तो हम यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।